हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगा, बढ़िया रहनी चाहिए। और वही टाइम हो रहा है फिलहाल सुबह सुबह 8:30 बजे का, और आज वार तो मेरा ना के हो रहा है, बुधवार है। और ये देखो, सुबह सुबह मैंने लगा रखी है मशीन। कुछ नए कपड़े थे भाई, कुछ ये शॉपिंग के लाए थे, वो शर्ट काट नहीं थी सर अपना कह, कुछ पैंट भी पहन गए थे, मतलब नए कपड़े सारे थे वो। एक बार के मैंने हाथ उत्ते धो दिए हैं, काट दिए हैं, सुखा नाली में डाल रखे हैं, अरे वे धुन लाग रहे हैं। और मैं साथ साथ ही करूँगी ऊपर का झाड़ू पोछा। मेरा खेत का काम हो गया खत्म, दाना का झाड़ झूड़ बेच बैच फ्री। मतलब दाना तो फ्री हो गया, एक दो दिन का काम रह गया थोड़ा पराल का, पर फिलहाल फ्री है। तो ई मेरा सिर्फ एक टारगेट है, लक्ष्य है, एक एम है, घर की सफाई करनी जो सारी पड़ी है फिलहाल सारी। तो आज मैं फिलहाल ऊपर का झाड़ू पोछा करके ना कपड़े धोगा, क्योंकि कपड़े धोने थे, फिर करूँगी मैं नीचे की सफाई स्टार्ट करूँगी। शाम तक नीचे की करनी है मैंने। और भैया आज खुशी जा रही है कॉलेज में, क्योंकि उसने असाइनमेंट जमा करवाना था, तो वह आज जाएगी, फिर बाद 2-3 दिन की छुट्टी करेगी क्योंकि मेरे साथ सफाई करेगी। वैसे भी इफ एग्जाम आ जाएंगे तो वो उनका सिलेबस शायद कवर हो ही रहा है। तो बस आज तो मैंने एक लिए नहीं मंडना है, स्टार्ट कर आज तो काम, सफाई का पहला दिन। देखो 3 दिन तो कम से कम लगेंगे, एक दिन घेर में भी लगेगा और 2 तो आड़े हैं ही हैं, 3 दिन है वैसे तो, क्योंकि एक दिन तो यार रसोई खा लेगी और एक दिन ये दोनों कमरे और एक दिन नीचे का। पर मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँ 2 दिन में निपटाने की कोशिश करूँ इन्हें, पर देखते हैं क्या होता है, करेंगे। फिलहाल मैं फटाफट कपड़ा तो निमट लूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ, रोटी भी बनानी है। जब इतनी नीचे जाएगा 8:30 तो हो गए, 10-11 तुम्हें बच जाएंगे जब जाकर सफाई स्टार्ट होगी। तो भाई फिलहाल मेरी माँ जा रही है खेत में, क्योंकि मेरी माँ देख का होगी, कल दान धुन रात ना आए थे हम, 9:30 आए थे, आकर फिर कितने खाना खुना खाया, नहाए धोए, 10:15 का टाइम हो गया था इतना। तो बस चलो भी फिर मिलूंगी। फिलहाल टाइम हो रहा 10:45, 11:15 बज गए हैं, और मैंने रोटी राटी तो बना ली है, खा ली है, लेकिन रसोई की सफाई रह रही है अभी, और सारा काम मतलब साथ साथ में कपड़े धोने लग रही हूँ। ये देखो कुछ धोगे हुए कुर्सी उतार रखे, कुछ सूखने लग रहे हैं, कुछ ये सुखाने हैं, कुछ ये, और ये नीचे के पर्दे उतार ले, भी नीचे की सफाई करूँगी, तो ही मैं वो काम है यो। ये मैं फटाफट कपड़े सुखा लूँ। फिलहाल टाइम हो रहा 11:30 का, कपड़े कपड़े देखो क्या दिखा, कपड़े भर रह रहे हैं, कुछ बेका है, कुछ लास्ट भर के दूंगा, पर भाई मेरी मैशा पा रहा है गांव करड़ा, तो मैं पहला मैस बांध जाऊं, फिर नीचे की सफाई का मुहूर्त करूंगी। और ऐसे ही पड़ा है, चला ला चलती हूँ मैं। ये देखो भी खड़ी होगी है मन देख कर, ये 3 डांग हमारे, और ये देखो रोटी रोटी लस्सी वस्सी, ये पला में एक बार सफाई आड़े की भी करूंगी, पर ये पहला काटूंगा वो रोटे, तड़के चाकी चलाई थी चून पिछेदारी बने, खानके की भी चाकी चलानी है, पहला रोटे खोल दूं, काट दूं सानी। फिर
और भाई फिलहाल टाइम हो गया है 12:30 का, 11:30 बजे आई थी, 12:30 हो गया। सानी काट दी, सामर दिया, चाकी चला रखी है, चुन पिसन ला थोड़ा दलिया बिदल दिया, खान का भी पीस दिया, और डांगर बांध दिए, नहा दिए, देखो और मिला मिलू का इनके आगे, और बाहर का गोबर सामर दिया, यानी मन्ना हो गया पूरा 1 घंटा। अरे बरात सफाई करने की सोचू थी, सफाई का तो फिर नहीं कोड़ाने, ये पता कपड़े रह रहे हैं थोड़ी बार के, नीचे के पर्दे वर्दे मैंने सब कुछ तार तूर दिए थे, क्योंकि मशीन लगा रही थी, आज बुधवार था, तो मैंने मशीन लगा रखी थी, तो मैं सफाई तो करनी है, नीचे के पर्दे वर्दे मेरे पापा के कमरे की चादर मैंने सब धो दिए थे, बस आखिरी देर का ही थी मशीन में, बोल जाकर निकोलने चाड़ कर कपड़ा का एक बक्कर कर, और जब नीचे आ जाएगा जब सफाई स्टार्ट करूँगी शाम तक, मैं तो योगा भी बोल कृपा करनी किसी की छुट्टी करवा दूँगी आपको, किसी देश में छुट्टी को भी खा दूँगी, बस इतने से कि कृपा नहीं बोल सकते, और बड़ा पानी भी आएगा मेरे छुट्टी सुन गया हूँ, ये देखो भाई ठाडी कुर्सी भरी है, वह भरी कपड़े की, पर्दे धो दिए हैं नीचे के, सोफे के कवर ये पर्दे बाकी के जगड़ उतार कर रख दिए हैं, और ये सोफे साफा के कवर है भैया को नीचा है, वैसे तो इनको आखिर ड्राई क्लीन करवा आखिर, लेकिन हर बार भाई कौन ड्राई क्लीन करवा भाई, इतनी हड़े गामा मतनी में चल रहा है, क्योंकि गामा में डस्ट भी ज़्यादा हड़ कित ये चीज़ चल रही है, तो मैं इसने इजी में कर भी काट दिया करूँ, एक इसके ऊपर धर दूँगी पानी ने छोड़ कर, निचड़ लेगा जब इसने फला देंगे शाम में, बस और सारे दूगे हैं ये लास्ट के रह रहे हैं, अरे तो चलने लग रही है मेरी मशीन, और टाइम फिलहाल 1:03 हो गए हैं, मैं सोचती एक मिनट नीचे चली जाऊँ पर ना जा गया भाई, मैं एक बार इसने और निचोड़ने चाड़ दूँ, ये सूखन लाग रहे हैं, फिर सुखा कर एक बाल्टी से पानी घेर कर तो काम चलता ही रहेगा, सफाई अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है, पहला नंबर स्टोर रूम का यहाँ है, आज ड्राइवर वो कॉर्नर साफ कर दिया, पहला नंबर स्टोर रूम का देखो के सांग हो रहा है, केरा के न के है, आधा तो मारे हो राहुल ने बड़ा रखा है, तुम्हें खाट पटी का दो ना, खाट कितना डगाऊ, खाट ठीक लग रही है, कौन नहीं बहुत डंगा है, सरकाऊंगी बाद में तो नीचे उतरे, एक बार रुके यार नीचे दर्द है, फूटन का डर ना रहा होगा बेटे, दर्द नीचे दर्द है, सफाई शुरू नहीं करी उससे पहले मेरा आज की इसके ऊपर ही सारी यानी पीछे बता, कोई लाल हो गया नहीं बकी है, तेरी बुआ कल पड़ी थी या लगी यार लगी है छोटे मानस का छोटा हथियार
दर्द ही सुनता जल्दी आ बेटे, एक बार ये एडजस्ट कर दे, क्या मुंडा सांग हो रहा। जो एडजस्ट करके फिर वो वाल, एक वाल वो कर दूंगी, वाल ला रही हूँ। कौन सा? ये किताब ढंग से सारे आगे पीछे हो रही है भाई। ये कमरा स्टोर रूम फिलहाल दिया है हमने साफ कर, जचा जचू दिया है, और खुशी ड्राइविंग कर रही है घर में ही। पहले उस कमरे से बाहर निकाली है स्कूटी, स्लेंट करी करने की करना आ जाएगी अगर चला है। अरे नहीं, उधर मेरा दोनों पैर आ नहीं पाते गेट से। ये देखो भाई, ये सारी चीज खाली करी, आड़े के बिल्कुल रास्ता नहीं था। ये जो कट्टा है कबाड़ी में देना, कबाड़ी के सामान का है। ये सारी चीज खाली कर दी, उन पर मैं बाल रखूंगी, पर फिलहाल वाला का यूज करूंगी। ये ले रही दोनों, क्योंकि ये सूती हैं, ये पैनल वगैरह साफ करूंगी इनका, बाद में दो बार ढाल दूंगी। जो हेलमेट भी गुडू कदे कदे यूज हुआ है, चलो आज बंद कर लाइट रही हो। ये पहला हम करेंगे रसोई की सफाई, कितनी गंदी हो रही है देखो। साफ सुथरी है बेचारी ना भाई, कती साफ सुथरी नहीं, कती नरा डस्ट हो रहा है। ये धोए उल्टे इसे हुए गेर देर तक, क्यों इतना प्लास्टिक में? जब से हम लाए हैं ये पौधा, जब से इसके इतने ही फूल हैं, बस पत्तियां कम हो गई। प्लास्टिक में गेर दे, माटी झाड़ दे गुड्डू, उड़ो बार गेट धो रहा है, गेट धो रहा है। ये भी गमला भी टूटा पड़ा है, क्यों तोड़ा? हाँ ये नो दादी रख लेती, उड़ जा रहा गेट धोरा, रेत हो जाएगा कहीं क्यों करे। एक तार सामान धरेंगे ही भाई, बोले वही मारनी कानी धरती में, डंडे की जरूरत नानी कानी मार दे अपने आप पर। देखिए अभी हमने स्टोर रूम किट कर दी, यो रह रहा है, यो भी रह रहा है, रसोई खाली कर दी, और एक बंदा हमारे साथ नया जुड़ा है। ये देखिए, ए वो भी तार दे उसमें, वो दरिया जो दो जंगल जंगले में के कुछ है ही, मैं वो मैं भी झाड़ू मार दिए। और देखो ये रसोई का सारा सामान निकाला है हमने, सारा सामान रसोई का। ये देखिए, देखो मैं कुछ दिखाऊं, क्या दिखाती मैं? हाँ देखो, कभी मैं मतलब छोटी सी थी ना, बहुत मतलब बिल्कुल छोटी सी, जब हमारे द्वार गए थे, मतलब जब मैं ये चकला बेलन ले आई थी, देखो छोटा सा चकला बेलन है बिल्कुल, और एक लुटिया भी थी हमारे छोटी सनिया, इतना वह छोटी लुटिया किधरी? देखो यो आलू का निप्पल सायो, आलू इसमें दूध पिया करता, और यो भी मतलब इसका ऊपर भी था, मैं इसमें पिया करती, तई है ये नुए मारे दौर है कित दर्दी है। और ये पूजा का मतलब पूजा का सामान सुन ले, और देखो ये चमची वमची, और ये खेल है नहीं करे खेल, तो पतीला वगैरह, ये इसमें कप है, ये लुटिया बिरानी की दर्दी इसने, मैंने तो देखना रही यारी यार, छोटी सी देखो पन्ने मुझ गए इसके पर, बाकी तो ठीक है। पर मम्मी जो है बर्तन धो है यार, देख मतलब इस स्लैब साफ कर है, और देखो हमारी इस पैर कितना रेत हो गया, देखो देखो मेरी बुंदी हो रही बाइक पे, और मम्मी ये साफ करा, और एक
तो सलावर का तो कूड़ा मैं स्टोर रूम में तो काटी मम्मी मैट भीज गया पड़ा गया यो करा है मतलब ये दो है उसके बाद साफ सूफ कर कर मतलब आज हमारा टारगेट है आज तो हमने नीचे का कंप्लीट करना ही करना चल रात हो या आ जाओ मेन तो बनाया है सोई का और बाकी उसमें इतना हां क्योंकि इनमें तो दीवारा पे इन पे दीवारा पे गीला कपड़ा मारना और स्लैब साफ करनी है और नीचे का धोना मतलब इनमें कम है एज कम्पेयर टू रसोई रसोई में ज्यादा है और उसमें मतलब रेत रात और वो सब क्योंकि उसमें सफेदी जड़ है जाती इनमें सफेदी ना जड़ है ये थोड़े साफ सुथरे से ही है बस गिल्ला कपड़ा मारना पंखे साफ करने बाकी तो यो सही है बस रसोई में यार नीचे का सफेदी जड़ा है देखो याड़े के और या ऊपर का सफेदी जड़ा है बाकी तो ठीक है और जीमू भी आ गई मार साथ नीचे हैं जीमू बैठू जसूं गए मैं कहा गए क्यों क्यों ठीक है जल्दी आना पैड़िया पर दर्द होने देख मैं दर्दी कट्टिया पर दर्द हो जल्दी आना जल्दी ये और आंख खुल है तरवा रही हूँ नीचे से भी पानी मारना है क्या मैं करी 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 अजय जी मैं अजय बैठो इधर आ जा जिम्मी तू भी कुछ काम धंधा करवा लिया कर साबा दन खाए जाए पड़ी रह सो जाए नहीं निकलो 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 इसको दूर जा रही जा ऊपर रिप्पु तने मुआयना कर लिया है अड़े का जा ऊपर चलो भागो झाड़ लिए सन आया सफेदी ना तो फिर और जड़ेगी बाद में ठीक से ना मामला जमा खड़ी देखो टेबल फिर उसके ऊपर चेयर फिर स्टूल और फिर अब जब माड़ा ही सी भी उग चुक होगी ना नीचे का धाका उठेगा तेरी माँ क्या तीसरी मंजिल पर दबड़ी थी है और भाई फिलहाल टाइम हो गया है गोशे भी लेने पड़ेंगे घेर में जाएंगे साढ़े चार होने हो रहे हैं एक मिनट रसोई का काम हुआ हमारा रसोई कर दिया हमने कंप्लीट देखो एक रसोई होगी एक स्टोर रूम हो गया ये बेबे ये बेबे माचिस का खो कर दिया मन्नत कितना ग्रेड है इसका बस लास्ट का कपड़ा उसके बाद सूखा कपड़ा उसके बाद हो जाओ गाइस कैसे हो बना ले पेनी पेनी ना राजी हो गए मां को देख
यह खुशी है देखी किसी बुंदी का ना ये सुतरी मामा रे बैसा आड़ा सूर देखो गाइस की तो आंख भी बटन है बटन एक और है गाइस किसको भी देखा तेरा मनु तो ना देखा आज टिकी एक ये वाला गुंडा है छोड़ के भूम मैं क्यों बना रहा है बेबी डर जान किसे लेना हो तो गाइस 50 रुपये में मिला है ओरे 11 रुपया गिना 50 टू मम्मीज व्लॉग 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 ये देखो गाइस बेकले मतलब हां शाने लोग ना लोग बैठ के कुछ मानस ना लोग बैठ के मतलब कर बैठ गए आप नहीं को हां छोटा ले देंगे ओ क्या के बोलूं छह बिनने करे होगे खुशी ने देख कुछ करेंगे अब वो फोटो साथ का पकड़ा मैंने वो स्लैब साफ कर दी है बुक पर देखिए डंडे गला आलू पंखा साफ करा है मम्मी वो साफ करा है जिम्मी भी मेरे साथ सफाई में लाग रही है देखिए कपड़े दिख से मां मैं छोटे बड़ का करते हैं दे दियो काट दे घने छोटे नहीं घने छोटे के थारे घने छोटे वो इतना का है तेरे पर लकड़ा कुछ तू ये कपड़ा उसने दे दे खुशी राहुल ने ये छोड़ के हाँ उस बाल्टी में फुटिया का बाल्टी है दीवार होगी इसकी सारी सारी होगी रेडी है ओ फ्री गर्ल यस नहीं यार लेफ्ट की मम्मी मामा कर लेंगे तो ना कर कोई मैं इतना मुंह दिखे दी है सफाई करो तो सारी करो ये ना खुशबू ज्यादा बार मैं वही कटा लाया सुबह कॉल की बताई है चीजें भी साफ होनी चाहिए पता नहीं एक दिन जाओ कटे एक दिन साफ करे टेम्परेरी नहीं अब बस के तगड़े में कौन मुझे नहीं बाजने बाजने का कसर भी बताओ स्कूल का टाइम गलत सही बात नहीं बताओ कम गलत हो कम गलत हो स्कूल का टाइम गलत है ना मामा इतने तो भाई छह बजे मैं जाओ छह बजे की बजाय साढ़े छह बजे माम उठा पौने सात बजे झाड़ू काट क्यों उठो तुम पौने सात बजे फ्री के लाइफ छह बजे लग गया करो रात हो जे है रात की दुगा करे सांझ के सांझ हो मीन रात हो ठीक है वो रात सीधे जाड़ ना काट के ये दिन में निकालते हो गया रे की सफाई ओ यस दीवार रे माय गॉड फिर गीला कपड़ा दे देने एक को गीला कपड़ा है पानी मार गीला कपड़ा कह रहे हैं दे दे ले उड़ा ला रो ठीक से दीवार को चेक उड़ मैं जाने दी जाए तेरे जान भी आज मामा देख ले बस की ना इसके ला ला रे दे आ जाएगी तो खा वो कटी ना कर जाना मेरे सस्ता है भगवान ने प्यारी बोली दिल ले पलटी ना तालू चोकर बैठ बता पा कौन सी बाल्टी पानी आ रही बड़ी जा खराब आ रही किसी ने किसी ने लिया टाइम फिलहाल हो रहा होगा ही क्या
दवाई पड़ी है एक्सपायर देखे एक्सपायर मामा दिखाई भाई बात सब बजवे ओ भाई आगे भाई जाऊं मैं देखती ओए भाई मां हम ले आना पे वो तो आते ही लग जाएगी इन पे तो बस उस पे मारना पड़ेगा इसको मेरे की हां सब आपको ना चल के अरे इसका बार तो कर लो शरा साफ कर दिया हां हां मेरी होगी इसका ओके भाई किधर गई है वो बैठी देखो 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 के चबान लग रही है वाह दिखे है सुनिया देखे है वो चबान लग रही है कड़े ए वर रही दो है दो दोनों भीतर बढ़ेंगी ये गई है सुने रोटी लाने एक रोटी का टूक ले बेटा तो जाने बेबे कबाड़ा कबाड़ा देखो ही बस सफाई मुसी पागी मुसी पकड़ो पकड़ो चली जा कितना तय फिलहाल टाइम हो गया 7:52 हमारी सफाई हमने टाई करी थी 7:15 आई अरे तेरी मां ने बना रखी आज बाजरे की खिचड़ी ये मेरी मां का टाइम बजर सुबह रहता बनान ताई और भाई इस पूरा दिन सफाई चली है हमारी गाइस हमने सफाई कर ली फाइनली गाइस सफाई हो गई हमारी के दिखे सफाई हो गई है और देखे सफाई करने के बाद कोजी का लुक के पड़ा है और वो पर्दे भी लगा दिए ये भी साफ करके ये भी साफ कर दिए और ये सारे धो दिए थे यो भी धोया था और यो साफ कर दिया था गाइस हमने मंदिर एड़े शिफ्ट कर दिया आओ और यो साफ करके एड़े शिफ्ट कर दिया
और इसके बड़े लगा दिए, खोल ले रह रहे हैं, भी बंद करनी रह रही है, गीली थी वह। और ये भी साफ कर दिए सारी ट्रॉफी फोटो वगैरह, और स्टोर रूम की भी सफाई करी फाइनली। तो सारा सामान नीचे खाली कर दिया, पहले तो जगह आना थी ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस बने उड़े। और इसके पे वो भी लगा दिया। हाँ, इस पे वो ढंग दी तक थोड़ा एस्थेटिक दिखे। और ये भी फाइनली, और यहाँ से हमारे ये दिखता है। और ये सारा रख दिया है। या भी देखो हमारी टूट रही है, कदे बदलवावांगे बेहोश होए पाछे। देखो सफाई करियो, सूट चुका रहे के सूट। और गाइस इसको इग्नोर करना, ये टूट रहा है, कदे बेउत्साह हो जाएगा। हमने पार्ट दिया ना, ये जो सिस्टम है ना, ये मतलब अच्छे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इनको ना साफ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आपको पता है। अपने घर में 10 से 12 लेके है ना खुशी। पंखे वंखे भी साफ करे थे, सफाई करी थी, सारी करी थी। बस ये तारे को नहीं ममने, ये नहीं तारे, कातबार की चीज थी यार, तारे को नहीं। वहां भी उसकी भी सफाई करी थी। ये तो सारा दिखाई दिया, हो गया था साफ सूफ, पर टाइम घना लग गया। ये बस मम ने साफ साफ कपड़ा कपड़ा मारा है, ये भी साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया, और वो तो साफ है। अरे हमारी थाली गाइस, ये इतनी नोटबुक ये पड़ती है, देखो इस शख्स का चेहरा। आधी टेंशन कम हो गई, सारी चीजें साफ कर दी हैं। देखो सारी मस्त मस्त साफ कर दी हैं। और इसका फर्श नमी की उससे देखो टूटा फूटा सा हो रहा है। बाकी कद्दी और वे कपड़े देखो बिल्कुल सुखा रखे हैं। किस पे कुछ ना फेरा मन तो हम बे, लेकिन गिल्ला के ऊपर सूखा भी फेरा था। सूख जाएगा फिर तो आपे, सूख की जगह तो कुछ और लड़का हो गया, कितने ना लगता पड़ो गया, और कुछ ना है। देखो इसकी बार हमने पर्दे की वो चेंज करी, मम्मी ये चेंज करी इन दोनों की, ब्राउन इस साइड था और वाइट मतलब यो क्रीम उस साइड था। और क्या पहला कितने मैले मैले हो रही है, तो फिर भी चाले ऊपर ले काले हो रहे हैं। इनकी वाई है सेम जुकर थी, रंग ना ब्राउन पहला और क्रीम बाद में हो। ए पागल से तू, देखो ये माँ सूट के लायो सर कालेगी, देखिए यो क्यों गलीचे के बिना, गलीचे के बिना थोड़ा अजीब सा लगा। ए चला चुसा दे,
गलीचे के बिना है ना अजीब सा लग गया है। नीचे की सफाई हो गई है। डन 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 प्रेस करनी है ना। कति मस्त पूरी सफाई हो गई है। नीचे की मुवाद ना लगवाए पीछे बार ना लागती मने ना देगा। और रसोई देखो खाली खाली लगती होगी। पहला तो बहुत खाली लग गया, मतलब यारे मंदिर रखा था उसके ऊपर सामान वगैरह रखा था, उड़े भी बहुत सारा सामान रखा था और ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा था, पर ये तो सिर्फ मेन रखा, बाकी डब्बे वब्बे काट दिए हमने प्लास्टिक में दिन थी। और नीचे तो ये तो परमानेंट है क्योंकि चीनी है और चीनी वगैरह डल रही है और चावल वगैरह डल रही है, इसमें तेल है तो ये तो परमानेंट है ही। बाकी सब तो मतलब खाली होगा, बहुत खाली कर दिया, बहुत हमने बहुत ज्यादा खाली कर दिया नीचे का, मतलब बहुत कूड़ा वगैरह काट दिया। और यो भी पूरा ये सारे पैनल ये जो ब्राउन लाग रहे हैं ये सारे साफ करे, जो कट्टा यार था ये ऊपर दरवाया और या पूरी दीवार या आली साफ करी गेट वगैरह पानी मार कर पूरा साफ करया याड़े ते कपड़ा इस दीवार पे तो कपड़ा मारा, बस ये पर्दे रह गए, ये पर्दे धोने हैं बस ये साफ करनी है रह गए, बाकी पैड़ी वैड़ी भी धो दी। देखो मस्त साफ सुंदर अति सुंदर हो गई है अभी ये बिल्कुल। हर योग मम्मी ने यो कि क्या करें गलीचा दो रखा है, देखो बाहर ते भी दो दिया, मतलब यारे सीती आधा तो दो दिया सुबह, बाकी जोड़ लकड़ जाएगी। और ये तो है ही एक नंबर के, मम्मी ने गलीचा दो रखा है, गलीचा सूखे पाछे वो होगा।